देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर राज्य के सभी जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन के साथ बातचीत करते हुए अलर्ट रहने के साथ साथ 10 और 11 अप्रैल को राज्य के सभी जिले के सदर अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। इसी के आलोक में साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल में सोमवार को जिला उपायुक्त रामनिवास यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान के नेतृत्व में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस क्रम में सभी स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक पीपीटी किट पहनकर मरीज को एम्बुलेंस से उतारते हुए पूरा सुरक्षा के साथ कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया और सभी तरह की जांच भी की गई। वही मौके पर चिकित्सकों ने मरीज को कोरोना वायरस से बचने के लिए कई सलाह भी दिए, जिसमें सोशल डिस्टेंस, बराबर हाथ धोना, मास्क पहनना आदि शामिल है। वही मौके पर सीएस रामदेव पासवान ने कहा कि जिला स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरह जिला वासियों को बेहतर सेवा देने के लिए कटिबद्ध है और कोरोना वायरस से भी निपटने और हर तरह की सुविधा जिले के सभी अस्पतालों में मुहैया कराई जा रही है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल 10-11 को में से किसी एक दिन मुझे करना था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री ये स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार का ये कोविड का केस किसी किसी राज्य में आने लगे हैं, तो हम लोगों की पूरी व्यवस्था देखने के लिए ऑक्सीजन पाइप, मेरा पीएसए प्लांट, मेरा ऑक्सीजन पॉइंट, साथ साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर सबका टेस्ट करना था, तो टेस्ट अभी हुआ है। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा साहिबगंज को कि चिंता न करें, आपकी चिंता के लिए स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को हमने अलर्ट मोड में रखा है। आप लोग जिस तरह से अपना दिनचर्या करते हैं कीजिए, लेकिन कुछ जो है प्रोटोकॉल जैसे हैंड वॉश का है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, ये सब आप लोग करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोग की सेवा में हमेशा रहेगा। वही मौके पर जिला उपायुक्त ने कहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिले निर्देश के बाद कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसको लेकर सभी जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। इसी को लेकर साहिबगंज सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल कराया गया। ये आज कोविड के सर्ज को देखते हुए, जैसा कि आप देखें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी निर्देश दिया है और कल हमारे राज्य में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी डीसीज को और सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि एक मॉक ड्रिल करके अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख लें, जहां कमी है उनको दुरुस्त कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कोविड का एक सर्ज फिर से आए। अभी तक हमारे ज़िले में कोविड का कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। रेगुलर हम लोग कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वायरोलॉजी लैब है, मैं आरटीपीसीआर जांच करते हैं, अन्य माध्यम है टेस्टिंग के कोविड के, वो भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। अभी तक कोई केस नहीं है, बट फिर भी एहतियात के तौर पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पीएसए प्लांट्स हो गए, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जहाँ तक जाता है वो हो गया, वेंटिलेटर्स हो गए, कंसनट्रेटर्स हैं, सबको हम लोग एक बार चेक कर ले रहे हैं कि सब काम कर रहा है, कोई ख़राब तो नहीं है, ख़राब है तो हम लोग टाइम पर उनको ठीक करें।